कांग्रेस पीसी के मिश्रा कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्र बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी सरकार 18 साल तक झूठ की बुनियाद पर टिकी रही, भाजपा के लोग अंतिम बेला पर भी नहीं सुध रहे। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत पर करप्शन और किडनैपिंग के भी गंभीर आरोप लगे हैं। राजपूत ने झूठ बोलकर जनता और निर्वाचन आयोग को भी धोखा देने की कोशिश की है। ताजा मामला उन पर सागर जिले में फिर हुई है। हिरणखेड़ी में अपराधी वीडियो में जो बात कही है उन पर फिर दर्ज हुई है। स्वीकार किया है कि मैं 25 लाख का ऑफर दूंगा। उन्होंने झूठ कहा कि उनका वीडियो आचार संहिता के पहले का है। 19 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगने के बाद हिरणखेड़ी गांव का ये वीडियो है। ये वीडियो फेसबुक अकाउंट होल्डर लीलाधर पटेल कुर्मी परासिया ने वायरल किया था। गोविंद राजपूत ने उस यूजर को धमकी दी उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए। कांग्रेस की मांग है कि उस वीडियो की फॉरेंसिक जाँच की जाए। आचार उल्लंघन के साथ ये दंडनीय अपराध है। कांग्रेस की मांग है उनके विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, उन्हें चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए, साथ ही उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। राहतगढ़ थाना में TIUSD उनकी मांग पर नाच रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये उनके रिश्तेदार भी हैं। हम उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं करते। के मिश्रा, इस मामले में चुनाव आयोग को खुद जाँच करना चाहिए। कांग्रेस निष्पक्ष जाँच नहीं होने पर हाईकोर्ट भी जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने एक मंत्री पर फिर दर्ज करके निष्पक्षता का परिचय दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करेगा। 40 लाख रुपया खर्च करने का मौलिक अधिकार है, वो एक पोलिंग बूथ पर 25 लाख देने की बात कही। उन्होंने पेंट से ही 40 लाख से दीवारें पोत दी हैं। कमलनाथ चुनावी हिंदू में बीजेपी को ये कहने का दायित्व तो ही नहीं है। उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाने के बाद कभी नहीं कहा कि ये कमलनाथ का मंदिर है। रामेश्वर का खुद भाई मुसलमान बन गया है, पहले वो अपने घर को बेच ले। 8,000 करोड़ विश्व हिंदू परिषद का जो 30 साल पहले दिया था वो कहाँ है? राम मंदिर में चंपत राय पैसा खा गए, उस समय रामेश्वर शर्मा कहाँ थे? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी, उस समय मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि हमने मस्जिद नहीं तोड़ा, वहीं मुरली मनोहर ने ये भी कहा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और माननीय कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार ख्यात पत्रकार पीयूष बघेले जी, मीडिया टीम के मेरे सभी सहयोगी सक्रिय साथीगण, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों, एक शॉर्ट नोटिस पर आपको आमंत्रित किया है और आप लोगों ने कृपा की है यहाँ पधार कर, लिहाजा मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दौर इलेक्शन का है और पूरी सरकार 18 सालों तक झूठ की बुनियाद पर टिकी रही तो कहा जाता है कि जब आदमी अंतिम शैया पर लेटा होता है तो उसे भगवान याद आते हैं और वह सच बोलने की कोशिश करता है जन्नत पाने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अंतिम बेला पर भी नहीं सुधर रहे हैं झूठ परोसने में, एक शर्म का विषय है। ऐसा ही एक बड़ा वाकिया जो प्रामाणिक तौर पर हम कह रहे हैं गोविंद राजपूत जी के साथ हुआ है। प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, जिनका पूरा राजनीतिक करियर विवादों में रहा है, जिन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, जिन पर उनके विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जमीन हथियाने के आरोप लगे हैं, यहां तक कि किडनैपिंग के भी उन पर आरोप लगे हुए हैं, और उनके निर्वाचन क्षेत्र के थानों में उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। उन्होंने फिर झूठ बोलकर
प्रदेश की जनता अपने क्षेत्र के नागरिकों जो जागरूक तौर पर न्याय व्यवस्था और भारत की संवैधानिक इकाई जिस पर सबको गुरूर है हम फक्र करते हैं, निर्वाचन आयोग को भी धोखा देने की कोशिश की है। ताजा मामला जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है राहतगढ़ थाने में, उन्होंने अपने जनसंपर्क के दौरान 22 अक्टूबर को अपनी विधानसभा के ग्राम हिरनखेड़ी में जो आपराधिक वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो बातें कही हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने फिर हमारी संवैधानिक इकाइयों और जनता और प्रदेश की जनता को धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने यह बात तो स्वीकार की है कि मैंने 25 लाख रुपयों का ऑफर दिया जरूर है, उनके वीडियो साक्ष्य आपके पास भी आ गए होंगे, हमारे पास भी मौजूद है। उन्होंने यह कहा कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता को जहां हमें अधिक वोट मिलेंगे उस बूथ पर 25 लाख रुपए दूंगा, ये उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। मगर उस झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने यह कहा है कि यह मेरा वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो वीडियो 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है, और वो वीडियो जिसे वो कह रहे हैं कि मैंने आचार संहिता लगने के पहले दिया है, वह वीडियो उन्होंने राहतगढ़ थाने के हिरनखेड़ी गांव में 19 अक्टूबर 2023 की शाम 6 बजे एक भाषण के दौरान जो बाद में जारी हुआ है वह दिया है। यानी उनका झूठ पूरी तरह सामने आ चुका है। शायद गोविंद राजपूत जी भी शिवराज सिंह चौहान के डाक एडिशन है कि अक्ल का ठेका ईश्वर ने सिर्फ इन दोनों को ही दिया है, बाकी पूरी जनता मूर्ख है। ये झूठ इनका 120 की स्पीड से चलाते हैं ताकि समझते हैं कि सब लोग बेवकूफ हैं, मगर उस फौज में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। यह 19 अक्टूबर का वीडियो टेलीकास्ट किया गया था फेसबुक अकाउंट से, और जिस फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट किया है उसका नाम है लीलाधर पटेल कुर्मी परासिया। इस व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से संबंधित झूठे गोविंद सिंह राजपूत जी का वीडियो जारी हुआ है। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि FIR दर्ज होने के बाद गोविंद राजपूत जी ने अपने यूजर को धमकी दी और उस यूजर ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, मगर उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। हमारी निर्वाचन आयोग से प्रार्थना है कि उस फेसबुक लाइव पोस्ट की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं बचा पाते हैं, तो इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो सच कांग्रेस बोल रही है या गोविंद सिंह राजपूत बोल रहे हैं, या दूध के दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत जी ने यह भी कहा है कि आचार संहिता के पहले मैंने इस तरह का भाषण दिया है। गोविंद राजपूत जी ने खुद कहा कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं, मगर उन्हें 5 चुनाव लड़ने के बाद भी इतनी अकल नहीं आई कि 5 चुनाव लड़ने के बाद भी वो यह नहीं समझ पाए कि विधायक निधि में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं होता है कि आप 25 लाख रुपए जिस बूथ पर आपको ज्यादा वोट मिले वहां पर आप खर्च करें। यानी आपने विधानसभा की नियमावली को भी नहीं पढ़ा है,
और यदि पड़ा है तो आपने विधानसभा में भी विशेषाधिकार किया है झूठ बोलकर, उस नियम के साथ खिलवाड़ किया है आपने, और यह सीधी तौर पर विधानसभा के विशेषाधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है, विधानसभा की नियमावली पर प्रहार है और आचार संहिता का उल्लंघन के साथ में यह एक दंडनीय आपराधिक कृत्य भी है। तो जो उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है उसमें यह धाराएं भी बढ़ाई जाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आग्रह करती निर्वाचन आयोग से कि उनकी विधानसभा सदस्यता, चूंकि अभी वो विधायक हैं, मंत्री हैं तो विधायक भी हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाए और उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में संविधान का पालन करने वाली भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को उतना सशक्त बनाया गया है कि वो किसी भी उम्मीदवार के अनुचित आचरण को लेकर उन्हें विजयी होने के बाद भी अयोग्य घोषित कर सकता है। निर्वाचन आयोग इतना पावरफुल है निर्वाचन आयोग। और यह मांग तो अब मैं बेशर्म भाजपा से नहीं कर पाऊंगा कि वो उनकी उम्मीदवारी वापिस ले, क्योंकि जिस भाजपा ने तमाम भ्रष्टों को टिकट दे दिया है, जिनके विरुद्ध 18 साल तक सरकार बदनाम होती रही उनके भ्रष्टाचारों को लेकर, जब उनके समक्ष भाजपा ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो गोविंद राजपूत तो एक छोटे से उनकी निगाह में मच्छर हो सकते हैं। तो हम भाजपा से वो मांग जो पहले की थी वापिस लेते हैं, क्योंकि इन बेशर्मों पर उस बात का कोई असर नहीं होगा। फिर आरोप तो मैं दोहरा रहा हूं कि गोविंद राजपूत जी एक आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं उसको, उन पर जमीन हड़पने सहित किसी डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि FIR दर्ज हुई है। यानी जहां निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं, वहां निर्वाचन आयोग ने एक मंत्री पर FIR दर्ज कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। मगर सिर्फ एक FIR से अन्य अपराधी बच जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जिले के बाहर के अधिकारियों से। तो जिस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट से उस वीडियो को जारी किया जो बाद में हटा लिया गया है, हमने उसका समय भी मुकर्रर आपको जो था वो बताया है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए तो हम झूठ बोल रहे हैं, गोविंद राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं सामने आ जाएगा। और यदि हम झूठ बोल रहे हो तो हम पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो गोविंद राजपूत जी की सदस्यता रद्द की जाए, उनका नामांकन अयोग्य घोषित किया जाए। उन्हें कि जब 40 लाख रुपए निर्वाचन का एक विधानसभा में खर्च करने का किसी भी उम्मीदवार को मौलिक अधिकार है, तो 25 लाख रुपए यदि एक ही बूथ पर ये दे देंगे तो भी 15 लाख में एक चुनाव लड़ लेंगे। सीधी तौर पर काले धन से उपयोग का जुड़ा हुआ मामला है। ABCD EBCDI क्या होती हो, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इनके वहां छापा मारे। मुझे तो यह भी किसी ने बताया कल कि वो सुर्खी से लौटे थे, 40 लाख रुपयों के तो उन्होंने ऑयल पेंट से अपना प्रचार की दीवाले पोती हैं, ऑयल पेंट से दीवाले पोती हुई उनकी। मध्य प्रदेश में मैंने भी अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में कई दीवाले पोती, हमने तो लिखी भी हैं दीवाले, उस टाइम हम नील से लिखते थे, यहां ऑयल पेंट की दीवाले लिखा रही है। तो परिवहन विभाग का चौकियों का पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। जी आमिर भाई आप कुछ कह रहे हैं। चंदा मामा ना हाँ, पहली बात तो यह है कि उन रामेश्वर शर्मा जी को कमलनाथ जी चुनावी हिंदू हैं यह कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। कमलनाथ जी वे हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी की घोषित कमाई से देश के सबसे बड़े हनुमान मंदिर को, जो छिंदवाड़ा में है, बनवाकर जनता को लोकार्पित किया। उन्होंने कभी यह नहीं किया कि कमलनाथ मंदिर है,
और रामेश्वर शर्मा जी बता दें, यदि वो सच्चे हिंदू हैं तो हिंदुओं के रक्षक हैं, और मुझे तो भोपाल से ही जानकारी मिली है कि उनके भाई ने शादी करने के लिए खुद मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो अपने घर पे तो पहले हिंदू बना लें किसी को, फिर वो कमलनाथ जी को सर्टिफिकेट बांटें। वो खुद चंदा मामा है, वो बता दे कि 18 साल की शिवराज सिंह की सरकार ने कितने बेरोजगारी को नौकरी दी, किसानों ने आत्महत्याएं क्योंकि 29,000 किसानों ने, 56,000 बहनों के कत्ल कैसे हुए, गैंगरेप क्यों हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के बगले के 1.5 किलोमीटर दूर बच्चियां गायब हो रही, जब ये पैर पूछ रहे थे बच्चियों के तब वो बच्चियों का अपहरण हो रहा था, पीएचसी के भी पास में है, पुलिस को क्यों पता नहीं लगा, मिलावटखोर क्या कर रहे हैं, कालाबाजारी क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रामेश्वर शर्मा पर मेरा आरोप है कि यदि वो सच्चे हिंदू है तो मैं भी हिंदू हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कभी पार्षद भी नहीं रहे मगर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, उन्होंने कहा था 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद चल रहा था, तब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाने के लिए देश के लोगों ने 8,000 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद को चंदा दिया है। ये चंदा मामा बताएं कि वो 8,000 करोड़ रुपया देश के किस प्रांत में है, किस बैंक में है, और 30 सालों में वो 8,000 करोड़ रुपया ब्याज सहित कितना हुआ। रामेश्वर शर्मा तब क्यों खामोश थे जब चंपत राय जमीनों की रजिस्ट्री में अयोध्या में पैसा खा रहा है। रामेश्वर शर्मा का हिंदुत्व तो तब कहां गया था। कमलनाथ जी को और बड़ी बात में आरोप लगा रहा हूं कि जिसने मंदिर तोड़ा है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता है। मैं खुद कह रहा हूं कि वह मान लिया जाए कि वह मस्जिद नहीं थी, यदि मस्जिद होती तो कुरान की आयतें लिखी होती, वहां कोई मूर्ति नहीं होती। मैं भी मस्जिद में कई बार गया हूं, वहां कुरान की आयतें नहीं थी, वहां मंदिर था। मैं भी मान रहा हूं, आप कह रहे हो ना मंदिर था, मैं भी मान रहा हूं, मगर वहां रामलला अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 4 दीवारी में उस गुंबज के नीचे विराज हुए थे, और आपने उस मंदिर को तोड़ा हिंदू होने के बाद, और वो राम जो ठंड गर्मी और बरसात के थपेड़े से बचे हुए थे 30 साल से, वो राम टेंट में बैठे रहे, तो तुमने तोड़ा क्या है। तो मंदिर तोड़ने वाले कभी भी हिंदू नहीं हो सकते हैं, और इन बुजदिलों में जिनमें रामेश्वर शर्मा भी शामिल है इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने मुरली मनोहर जोशी ने अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताएं कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं। इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले, तो जिन रणछोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। और आपको यह भी ध्यान होगा कि मुरली मनोहर जोशी जी उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, जयपुर में उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि मंदिर निर्माण कब होगा, तो जीवित है अभी मुरली मनोहर जोशी जी, उन मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था, वो क्लिपिंग भी मेरे पास मौजूद है, कि भारतीय जनता पार्टी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जो मंदिर बनाएगी। तो आप बताइए वो पैसा कहां गया, किसने खाया। ये हिंदू है, हिंदुओं के जूते की ये धूल भी नहीं है, ये चंदा चोर है, सरकार बनाते हैं राम के नाम पर, और यदि राम के नाम पर सरकार बना रहे हैं तो महाकाल का पैसा खाने वाला कौन था, ये भी बता रामेश्वर शर्मा। 20 अक्टूबर 2023 शाम 6 बजे का 22 को इनके खिलाफ शिकायत हुई है, शिकायत जांच सही पाई गई, उसके बाद FIR हुई है, और वो 19 अक्टूबर को 6 बजे से लाइव किया गया था लीलाधर पटेल कुर्मी पराशिया नामक व्यक्ति ने उसके अकाउंट से। रामेश्वर शर्मा कुछ जनेऊ पहनते तो बता के दिखा दे, रामेश्वर शर्मा खुद हिंदू होने पर मुझे उनका डाउट है।
रिफ्रेशिंग का एक बयान आया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने की चांसेस 100% इस बार फिर से, तो क्या हम उसको मान्य कर रहे कि कांग्रेस भी डरते मारे ऐसा बोलने की बयान दे रही है? हो सकता है ये हार्ड डिग्रा फोड़ना चाह रही है। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी है तो ये तो छर्रे हैं, इनसे क्या डरेंगे? ऐसा बयान दिग्विजय सिंह जी, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्होंने आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो प्रमाणित नहीं है। उन्होंने जब पूरा देश, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं सोच रहा था कि दिग्विजय सिंह जी अब फंस जाएंगे, उनके पास प्रमाण नहीं है, मगर दिग्विजय सिंह जी ने हेमंत करकरे की वॉइस रिकॉर्डिंग भी देश को सौंप दी थी, वो दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान में बहुत अंतर है। सर ऐसा तो नहीं है विधानसभा चुनाव चल रहा है, पांच बार का चुनाव है और बीजेपी की सरकार रही है, तो इस बार ऐसा तो नहीं कांग्रेस से डर के मतलब दो गुना पैसा खर्च कर सकती है बीजेपी? देखिए ना, जो काले धन के मुद्दे पर सरकार बना गए थे, उनके पास काला धन ही है, वो खर्चा करेंगे, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। मगर मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। सिंधिया और उनके 23 लोग गद्दार हो बिकाऊ जरूर निकले, मध्य प्रदेश की जनता गद्दार नहीं है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।